नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई निदेशक रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली है। राजधानी शिमला के अपने निजी निवास पर बुधवार शाम उनका शव फंदे से लटका पाया गया। वे 70 वर्ष के थे। इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी शिमला पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि हैंगिंग के इस मामले की जांच की जा रही है। जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी भी इस घटना से बेहद आहत हैं। पूर्व डीजीपी रहे अश्विनी कुमार नाहन के रहने वाले थे और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वे साल 2006 से 2008 तक हिमाचल के पुलिस महानिदेशक रहे। अगस्त 2008 से नवंबर 2010 के बीच सीबीआई निदेशक रहे थे। अश्विनी कुमार सीबीआई के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिन्हें बाद में राज्यपाल बनाया गया था। मार्च 2013 में उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि साल 2014 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद वे शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। मौजूदा वक्त में रिटायर होने के बाद वे लॉकडाउन के दौरान अपने इकलौते बेटे के पास मुंबई में थे, लेकिन पिछले कुछ समय पहले अपने घर शिमला लौट आए थे। आज शाम को करीब 7:10 पे ऐसा हुआ कि अश्विनी कुमार जी के बेटा और बहू जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो वॉक के लिए जा रहे थे। तो शाम को नॉर्मली अश्विनी कुमार जी एटिक में मेडिटेट करते हैं, तो उन्होंने देखा कि लॉक है अंदर से, तो उन्होंने फोर्सफुली इसको तोड़ा। एक दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, तीसरा खुला हुआ था। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और जो फादर इन लॉ वो रस्से पे हैंग कर रहे थे, तो उन्होंने रस्सा काटा, उनको बॉडी को नीचे लाया। अश्विनी कुमार जी आज शाम को दोपहर और शाम के बीच में वॉक भी करने गए मॉल पे, कालीबाड़ी पे। उन्होंने कालीगाड़ी पे गए, उनकी वाइफ ने ऐसा बताया। और अभी बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है और सारी चीज़ों की हम फर्द बना रहे हैं, सीजर बना रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी हुई है, एफएसएल टीम भी इंस्पेक्ट करके चली गई है और अब हम कार्रवाई करके बयान लिख के 174 की इसको बॉडी को हम मॉर्चरी में ले जाएंगे और कल सुबह इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सर कोई सुसाइड नोट मिला है? और सुसाइड नोट में इन्होंने बेसिकली बिकॉज ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी लिखा है और किसी को ब्लेम नहीं किया और फैमिली ने भी कोई फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि फैमिली तो घर के अंदर ही थी। और फैमिली का कहना है दोपहर को हमने खाना इकट्ठा खाया है और हम साथ साथ ही थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें हम जो एज पर जो लॉ है इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। सी दिस इज मैटर ऑफ डिटेल, राइट नाउ ये कहना उचित रहेगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, एक लूसिड सुसाइड नोट लिखा है और उसमें किसी को उन्होंने दोषी नहीं करार किया है। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है, हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है, हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है चार जगह से कटी हुई थी, उसकी जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। सर सुसाइड में जो डिजीज का जो मेंशन किया है वो किस टाइप की डिजीज है? देखिए ऐसा है कि दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अभी कहना इसमें उचित नहीं रहेगा, लेकिन सुसाइड में ऐसा है किसी को दोषी नहीं दिया गया है और अपने फ्री विल से उन्होंने सुसाइड किया ऐसा लिखा है और फैमिली भी इसको कोरबरेट कर रही है। कुछ और बातें भी लिखी है या फिर पर्टिकुलर डिजीज का ही मेंशन किया है आपने? कुमार जी बहुत ईमानदार, निहायत अपने काम के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे, पोंटा से लगभग 5 किलोमीटर पे इनका गाँव है। तो आज ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं।
कितना बड़ा एक नुकसान मानते हैं आप, क्योंकि पूर्व डायरेक्टर, पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, सीबीआई के निदेशक भी रहे हैं, हिमाचल के डीजीपी भी रहे हैं, इस उम्र में सुसाइड जैसी घटना अंजाम देना कितनी बड़ी एक त्रासदी मानते हैं, और क्या ये बहुत बड़ी त्रासदी है। एक व्यक्ति जो अपने आप में संपूर्ण इंसान था, जिसका जीवन आज तक बेदाग रहा, इतने बड़े पद पर हो रहे हैं, सादगी भरा जीवन वो व्यतीत करते थे, ये सब हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए क्षति है। क्या परिवार के लोग अंदर थे, कुछ बातचीत हुई, क्या कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन था या कोई परेशानी थी, बीमारी थी, क्या कुछ पता चला सर अभी इनिशियली आप जो बात कर पाए? इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, बाकी पूजा स्थल पर गए थे, पूजा कर रहे थे, अंदर ही उन्होंने ये सब कुछ किया है, इसके बारे में मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं। सर जैसे आप कह रहे हैं शाम को घूमने भी निकले थे, वॉक पर भी निकले थे, और हाँ वॉक पर तो वो डेली जाते थे, पूजा भी वो डेली करते थे। सर हैंगिंग है सर, क्या रूटीन में आपकी उनसे बातचीत होती थी, क्या वो डिप्रेशन में थे, ऐसा सुसाइड जैसी घटना को अंजाम देना क्या एक्सपेक्टेड था, आपकी बातचीत थी उनसे रेगुलर? हमारे महीने में 15 दिन में हमेशा उनसे बात होती रहती थी, वो तो हमेशा हंसमुख रहते थे, ऐसी कोई बात उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में की नहीं, हमारे सामने तो की कभी की नहीं उन्होंने इस तरह की कोई बात। सर क्या हैंगिंग थी ये आपसे समझना चाहेंगे, अगर आप अंदर पॉइजनिंग है या फिर? देखिए इसके बारे में मैं अंदर नहीं गया हूँ, अच्छा वो अंदर वाली जगह पर है, ये तो पुलिस ही बता सकती है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल। कोई फोन प्ले वाली कोई घटना, कोई बात ऐसी कुछ अभी तक जानकारी तो नहीं मिली सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ पता चल पाया कि उस वक्त घर पे कौन कौन थे? सारा परिवार उनका घर पे था। ठीक।